देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु संगठन की हमारी क्या पूर्णता है उसका एक समीक्षा इसमें की गई। कोलिशन गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमारे वादे हमने प्रदेश की जनता से किए थे उसमें कहाँ तक के हमने उन्हें पूरा किया हुआ है, कितने काम हमारे बाकी हैं, हमारी चुनौतियाँ संगठन को लेकर, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में 14 जो हमारी लोकसभा क्षेत्र हैं झारखंड के, वहाँ पर किस प्रकार हमारे गठबंधन के सभी साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर हम एक मजबूत उम्मीदवार कैसे हम खड़ा कर सकते हैं और इन 14 सीटों पर हम कैसे विजय हासिल करते हैं, इन सब के ऊपर मंत्रणा हुई। आगे की कार्ययोजना पर निश्चय किया गया और आने वाले समय में हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे सभी डिपार्टमेंट सेल्स को लेकर इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में किस प्रकार से हम कार्य करेंगे उसके बारे में दिशा निर्देश माननीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए। कह रहे हैं कि सर निर्देश आपको मिले हैं तो कांग्रेस सभी सीटों पर अकेली लड़ेगी क्या, इस पर भी चर्चा? मैंने कहा कि इंडिया हमारे इस प्लेटफॉर्म के तहत जो हमारे गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं सब मिलकर उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन कर